में का गोल गांव ही चला था रहने वालों के लिए बस प्रॉपर्टी का सीन था आपको जरूर दिलाएगा इंडिया रियल एस्टेट गाइड से हम करेंगे आपकी मदद ताकि आपको मिले आपके सपनों का आप आपका रुको है सीएनबी के आवाज इंडिया रियल एस्टेट गाइड हमारे संस्कार जैसा होने चाहिए वैसा होने में जितनी बातें होती हैं उतनी बहसें होती हैं इतना धर्म ज्ञान बांटते हैं गुरुजन हम कहाँ से उनसे हम एक प्रश्न ही पूछे आप काम किसके लिए करें प्रश्न केवल अपने लिए इससे जो क्षमता दी नहीं गई भगवान ने क्षमता दी नहीं गई है कि वो और किसी के बारे में सोचे या केवल अपने बच्चे के बारे में सोच सकते बच्चा मतलब अपने आपके लेकिन मनुष्य में वो क्षमता है दूसरों के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक चीज है पशु के पास पता है कि क्या मेरे ख्याल से विवेक इससे भी बेसिक है क्योंकि अगर आप शरीर हमारा हेड को देखें यहाँ पे एक ऑर्गन है जिसको कहते हैं न्यूरो फ्रंटल कॉर्टेक्स इंग्लिश में कहो तो सेरिब्रम एक जगह जो पशु के पास पशु और पुरुष में ये एक धारणा के ये हिस्से का फर्क ये हिस्से का फर्क इसके कारण हम कल्पना कर हम कल्पना कर सकते हैं अच्छी दुनिया कैपेबिलिटी इमेजिन हम इमेजिन कर सकते ये क्षमता है हमारी तो हम दूसरों का दुख जान सकते हैं पक्षी में ये क्षमता नहीं कि वो देख के समझ सके कि तुम झूठा हो सके पक्षी दूसरे के लिए हंटिंग नहीं करता शेर अपने लिए हंटिंग करता है लेकिन हम दूसरे के लिए भी काम कर सकते हैं ये क्षमता है इच्छा है कि नहीं वाला ये भी क्षमता है इसलिए हमारे यहाँ जब हम कहते हैं कि तिलक लगा सकते हैं तिलक लगा तिलक क्यों लगाते हैं या ऐसे लगाते हैं ये याद दिलाने के लिए हम इसके अंदर इसके अंदर एक ऐसा अर्जुन है जो हमें मनुष्य बनाते हैं हमने वो क्षमता है दूसरों के बारे में ये कर्म कांड में था वार्निंग सिस्टम था एक वार्निंग सिस्टम देखिए तुम सच्ची नहीं तुम मत्स्य न्याय से बाहर निकल सकते हो मेरे जीवन में रही तो ध्यान का ऐसा विशेष दिमाग उसके बाद फिर मैं उसी पर आऊंगा क्योंकि इसमें हमें पॉलिटिक्स की चर्चा करनी है नेतृत्व की चर्चा करनी है और ये कहते हैं कि हमारा नेतृत्व जो है हमारे लिए लीडरशिप है वो बड़ी मीडिया का है जब समाज ऐसे मीडिया का लीडरशिप में फंसता है उसको बाहर निकलने के लिए कहा जरा बाइबल के ऊपर तो बाइबल में एक बहुत ही अच्छी कहानी जिसका नाम है एक्सपॉमस कहते हैं कि कुछ लोग रहते थे मिस्र देश में रहते थे और वहाँ पर वो स्लेव थे दास और वो एक राजा का जो पिरामिड बनाते हैं जिस जो पिरामिड है वो बनाते थे और उनको दास दास के जैसे रखा था बहुत ही दुखी एक दिन एक आदमी आया और कहता है कि मैं एक दूसरी दुनिया लेके चलता ऐसी दुनिया जहाँ पे तुमने दास की है अपने ऊपर तुम्हारा एक तुम्हारा टेबल है उसे लोगों ने मछली खा और इसके साथ ही मैं वो प्रॉमिस लैंड को लेके जाऊंगा वहाँ पे सब कुछ नहीं तो मैंने लोगों ने कहा कि ऐसा प्रॉमिस लैंड का मैप दिखाओ मुझे मैप दिखाओ मैंने कहा फोटोग्राफ दिखाओ फोटोग्राफ दिखाओ केवल इस बात कि आप हमें लेके चले उस तरफ हम आपके पीछे पीछे चले तो वो उसके पीछे पीछे चलने लगे अभी ये जो है लीडर का काम क्या है मुझे उस दुनिया में लेके जाए जहाँ से मुझे स्वतंत्रता मिले तो
जब लेबर करते हैं तो हम एक प्रकार का एक मछली है जो मुझे दुखी जीवन से सुखी जीवन तक ले सकता है। मतलब लेबर किसके बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में सोच रहा है दूसरे के बारे में सोच रहा है। नसीहा एक प्रॉब्लम है जो हमें प्रॉमिस्ड लैंड को लेना चाहिए वो हम यहाँ आते हैं जैसे चित्र जी के जैसे हम अटक जाते हैं यहाँ नहीं जाते, ये हमारा प्रॉब्लम है। इस चक्रव्यूह से निकलने का मंत्र क्या है, आत्मविश्वास। और ये प्रश्न एक प्रश्न का पूछ कि हम काम किसके लिए कर रहे हैं, अगर हम अपने लिए कर रहे हैं तो हम रहे कहें दूसरों के लिए कर रहे हैं बने प्रभु। तो प्रभु से प्रभु जब तक अंदर बदलाव नहीं आएगा बाहर बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि रूल से राम नहीं बनता, नीति राम नहीं बनता, ना राम नीति बनता। लेकिन हम क्या समझ रहे हैं कि एक रूल बनाने से एक नया एक सिस्टम लाने से फिर हम देश की तो केवल व्यवहार बदलेंगे, आप पैसे भी क्या राम मिलेगा आपको दिलेगा। गुरुदेव जी ये कहना तो बड़ा आसान है कि अपने से बाहर दूसरों की फिक्र करो दूसरों की सेवा करो, करते हैं क्योंकि भीतर का पक्षी अभी तक डरा हुआ काफी कुछ काफी समझाते हैं उसी स्टोरी को। एक टाइगर है एक डियर है, टाइगर में भय खाना नहीं मिलेगा खाना नहीं मिलेगा, डियर में भय है कि मैं खाना बन जाऊँ वो भी भय। अभी मनुष्य कल्पना तो हमारा भय उनसे कई गुना ज्यादा है, जब टाइगर का खाना मिल जाता है तो भय चला जाता है लेकिन हमारा भय नहीं चला जाता। हम सोचते हैं कि कल का खाना परसों खाना बेटे का खाना बेटी का खाना पत्नी का खाना और रोम की जैसे आज बच गई लेकिन कल बचेगी परसों बचेगी बच्चे बचेंगे रोम से बचेगा तो भय 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 इतना है तो भय से एकदम जैसे गए हैं समुद्र है भय का। तो इनसिक्योरिटी इतनी डीप इनसिक्योरिटी इतना भय है कि वे अपने से दूसरे को लोग देख ही नहीं सकते। आप ये कह रहे हैं कि हम एक सभ्य समाज दिख जरूर रहे हैं लेकिन मूल प्रासंगिकता छुपी नहीं है। तरक्की का मतलब क्या है, तरक्की केवल धन में तरक्की हुई है, मन में तरक्की नहीं हुई, रहे तो हम वैसे ही पढ़ते। तो आपका सूत्रवाक्य है कि खुद से स्वयं से आगे जा करके दूसरों की बेहतरी से। आज हम चर्चा कर रहे थे कि राजनीति और जनहित के बीच का जो संतुलन है जो यूनिटी ऑफ थॉट और एक्शन होना चाहिए वो हमारे देश में समाज में राजनीति के इस समाज में क्यों नहीं दिखता है। डॉक्टर देवदत्त पटनायक का जवाब है कि स्वयं से बाहर निकल करके दूसरों की बेहतरी की सोचेंगे उसकी शुरुआत करेंगे तो शायद एक बेहतर समाज की तरफ हमारे नेता हमको ले जाने की कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम में हम इतनी बात करेंगे, अगले कार्यक्रमों में साक्षात में हम बात करेंगे कैसे हमारे अर्थतंत्र की हमारे कारोबार की और उसमें आपकी क्या Thank you.